हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ था बाहर, ये वॉक वगैरह। वॉक तो खैर नहीं, वैसे काम आया था, तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ और साथ में आपको अपने गांव की तरफ जो जाने वाला ये रास्ता है, पिंडी से आ रहा था, तो पिंडी से आगे जो रास्ता जाता है तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था ये, तो अभी भी ये ज़ोरों शोरों से। सारी बात, लोगों का काम होता है और ट्रैवल वगैरह कोई लोग करते हैं तो ये काम चलता ही रहता है। तो अब वैसे भी चलना जो है वो सेहत होती है, इसलिए मैंने कहा चल के चल जाते हैं, तो बाइक वगैरह की क्या ज़रूरत है। तो साथ में जो है ना वीडियो भी इससे अच्छी बन जाएगी, क्योंकि इससे व्यूज़ वगैरह जो है वो ऑडियंस को मैंने कहा ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बाइक पे तो सिर्फ चलते रहना चलते रहना। ये हाल यही बना है हमारे, नया नया रंग नज़र आ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम ये काफ़ी ख़राब हालत थी इसकी, तो मतलब वीडियो में नहीं, वैसे लास्ट टाइम काफ़ी मतलब इसकी बुरी हालत थी। और असल में हमारे यहाँ पे इलेक्शनों का दौर आ गया ना, तो इन्होंने सियासतदानों ने इन दिनों में काम करवाने होते हैं, तो ये भी उन कामों में से एक ही हो गया। ये तीन ठीक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8वां दो हुए तो जुड़वा और 8 हुए तो 8वां। ये यहाँ पे और पहले ज़्यादा लगे हुए थे, तो यहाँ पे और सफ़ेदे की भी दरख्त थे यहाँ पे लगे हुए, अब वो दूर लगे हुए हैं, 2 ही रह गए यहाँ पे, और वो ख़त्म कर दिए उन्होंने इनकी ये फसल थी। क्योंकि सफ़ेदा जो होता है वो पानी जो होता है ना, कहते हैं जहाँ पे जो ऐसा इलाका हो ना दलदली सा, मतलब जहाँ पे पानी सूखता ना वहाँ पे सफ़ेदा लगाना चाहिए, तो ये यहाँ पे वैसे फसलें हैं, यहाँ पे लगाए लगा हुआ तो वो इनकी फसल के लिए ख़राब काफ़ी था, तो इन्होंने वो सफ़ेदा जो है वो ख़त्म कर दिए थे। हाँ लेकिन वहाँ पर रास्ते में लगे हुए उस साइड में, और ये एक काम रह गया, ये शायद इन्होंने गंद वगैरह फेंकने वाला बनाया हुआ है। टोयोटा पता ही होगा लोगों को, ना ही पता मैंने कहा बता दूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ।
ये चिंची है हमारी तरफ से, चिंची यानी कि रिक्शा जो है वो काफ़ी मशहूर है हमारे गांव में आने जाने का। वाले लोग इसी पर बैठ के ज़्यादातर मतलब तो सवारी वगैरह इसी करते हैं। टोटे वगैरह लगे हुए हैं दूर जो है, मतलब यहाँ से आगे कोट नक्का है, उससे आगे अगर कहीं किसी में जाना हो तो वो ज़्यादा टोटे वगैरह उसके लिए हैं। और कुछ जो है वो बच्चे वगैरह जो सुबह जाते हैं स्कूल वगैरह उनको छोड़ने के लिए टोटे वगैरह लगे हुए हैं। हाँ ये चीज़ लगा हुआ है एक दरख्त, कैसे कहते हैं देसी दरख्त से बोलते हैं। और अभी हम घर की तरफ अब रवाना हुए हैं, छोटी पीछे लोडर रक्षा बहुत अच्छी नात पढ़ रहा है आज। मुझे लगता है जुम्मे का टाइम भी हो गया। क्या टाइम है वैसे? हाँ तकरीबन जुम्मे का टाइम हो चुका है और ये जुम्मे की वजह से लगे हुए हैं कि आम तौर पे हमें हम सब लोगों को याद नहीं होता। अभी वैसे भूल गया था आज जुम्मा है, इनकी आवाज़ों से पता चला। चलो तो ये एक रिमाइंडर हो जाता है कि जुम्मा है आज। देख कोठी तैयार हो रही है, यहाँ का एक जिम्मेदार है और क्या उसे बोलते हैं सियासी लीडर है यहाँ का इस इलाके का, ये हल्का मतलब उसका ही है। उसका नाम क्या है? अरफान। पागल ना सारे रोड़ा पागल। ये है वो सेम जो रवायती सेम है
रवायती सेम। और इसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि ये कैसे नहर से सेम बनी है, तो फिर याद आने के लिए बताता हूँ। यहाँ पे ये नहर पहले काफ़ी मतलब इसका अच्छा था, ये मतलब काफ़ी पानी क्लीन साफ साफ वो था, लेकिन अब इसकी हालत टाइट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री हमारे नज़दीक जबकि वो बनी है तब का इसका पानी साफ नहीं हुआ, उसने गंद जैसा फैलाया अभी तक वो साफ नहीं हुआ। अब ऐसा ऐसा कुछ लोग स्टैंड हो रहे हैं इस साइड पे कि ये भी साफ़ करवाया जाए, तो देखते हैं कब ये साफ़ होती है। जब साफ़ होगी तब मैं आपको दिखा दूँगा कि ये क्लीन हो गई है। अब मुझे नहीं लगता ये साफ़ होगी क्योंकि पहले ये नहर इस तरह की थी कि इसके नीचे से मतलब जो नहरें होती हैं ना आमतौर पर नीचे से उनका पानी ज़मीन से मतलब जैसे चश्मे वगैरह का फूटता है ना वैसे ही इनका भी पानी नीचे ज़मीन से ही फूटता था, निकलता था या फूटता जो भी कहते हैं। और ये हम अब अपने इलाके में आ चुके हैं वापस, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। ये हमारे पास गन्ने की ट्रालियां जा रही हैं क्योंकि गन्ने का सीज़न है, और वो ट्राली ट्रैक्टर मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगा, तो ये ऐसा होता है ट्राली ट्रैक्टर। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने गांव वापस, ये वो इधर बाहर आ गया और ये वो झगड़ालू दरख्तों की इब्तदा हो चुकी है जिसको बोलते हैं वन। और मैंने कहा दोबारा व्यू दिखा दूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर शायद नजर आए। ये वही घर और ये इस साइड पर कब्रिस्तान है, यहाँ से लोग रात को बहुत कम लोग गुजरते हैं क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे कुछ चुड़ैले हैं भूत हैं उनसे डर वगैरह इनको लोगों को लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई नहीं देखी ऐसी कोई चीज़। तो क्या आप यकीन करते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते, अगर जो करता है वो बताएं कमेंट करें कि हाँ होते हैं किसी ने देखी हो है कोई भूत चुड़ैल, तो अपना अपनी राय सब शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि होते हैं भाई या नहीं होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।